जी बिग बॉस जीत गए, ये वाला गेम देखिए फेयर अनफेयर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के रूल्स हैं, वो जिस तरह से खिलवाना चाहे खिलवा सकते हैं। टीम ए जो भी टीम पहले जाती उसको डिसएडवांटेज होता ही होता। टीम बी के पास मौका था पूरा मसाले वगैरह छुपाने का, उन्होंने छुपाया। अगर टीम ए उसको ढूंढ रही है तो उनको हक है ढूंढने का और वापस निकाल के लाने का। यही गेम का रूल है कि भाई वो आप छुपाओगे वो ढूंढेंगे निकालेंगे लाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने टॉर्चर किया 29 मिनट 51 सेकेंड उन लोगों को, खासकर मनारा को, और आप मतलब सिर्फ आपके ऊपर पानी पड़ेगा और वो भी बिना बाल्टी के पड़ेगा, ये नहीं हो सकता था। तो जो ऑप्शंस मिले, जो चलिए जो आर्काइव राम में इनको सुनाया गया, उनको दिखाया गया पूरा वीडियो, पहला वीडियो जो टॉर्चर हुआ, दूसरा वीडियो जो मसाले वगैरह सब छुपाए गए, कहाँ कहाँ से निकाले, कहाँ कहाँ छुपाए, क्या फेंक दिया, वो सब ठीक है। मतलब ऑप्शन दिया है तो फिर क्यों नहीं लेंगे घर वाले? किसको हीरो बनने का शौक है कि भाई जाके हम नहीं तुम भी खेलो, हम तुम्हें खेल में ही हराएंगे, ये भी खेल का हिस्सा है। आपको ऑप्शन मिला है, आसान ऑप्शन लिया आपने, आसान ऑप्शन नहीं। देखिए ये चोट तो लगी है टीम बी को, क्योंकि जो पूरा उन्होंने दिन भर कल रात को और आज जो छुपाने का कार्यक्रम किया, और विकी भैया जो पूरे सीजन में शायद रेयरली एक लड़ाई हुई है उनकी, वो भी अभिषेक के साथ, उसके अलावा उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। अंकिता मैडम जो शुरू से लगी हुई है, मैं फेयर खेलती हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ, ऐसा पर्सन मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, वो जो है वो रंग आज ही बाहर निकल के आया ना, जो आज जो पर्सनल एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए गए हैं। चलिए बात अगर करें तो मुनव्वर का जो डायलॉग था, जब अंकिता ने डरते हुए पूछा भाई क्या करने वाले हो, तो उन्होंने कहा जिंदा रहोगे, बहुत बढ़िया था। उससे पता चल रहा था कि टीम भी डरी हुई है, खासकर अंकिता तो डरी हुई है। अब जो जैकेट में डाला मसाले डाले मुनव्वर ने, जो स्मिथ एंड जोन्स के मसाले, जो शायद विकी ने किसी कॉन्टेस्ट में जो जीता था, तो वो कॉमन एरिया में रखा हुआ था अंकिता के हिसाब से, तो फिर उसने निकाल ली। नहीं भी रखा होता, उसने गमले से निकाल के रख लिया, जैकेट में रख लिया, वो जैसे कूदे मुनव्वर पे उसी से पता चल रहा था कि भैया उनका एग्रेशन आज खुल के बाहर आया है, सबको लग रहा है कि उनको फिनाले वीक में जाना है। सीधी सी बात है, गेम के हिसाब से, दोस्तियों और रिश्तों के हिसाब से सब अपने अपने आपको एसेस करते हैं कि कितने स्ट्रांग है कितने वीक है। विकी भैया को पता होगा कि वो उतने स्ट्रांग नहीं है, मतलब उनके फॉलोअर्स नहीं है, बाहर की दुनिया में उनकी वोटिंग नहीं होगी। वो जिस मकसद से आए हैं कि मैं अंकिता का हस्बैंड नहीं खिलवाना चाहता, मैं विकी जैन हूँ, मेरा खुद का एक अस्तित्व है। देखिए अंकिता पॉपुलर है, आपका अस्तित्व विकी जैन यही रहेगा कि आप अंकिता के हस्बैंड हैं, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया में आपको अंकिता के नाम से पहचाना जाएगा। आज वो अपने पैसे का रुआब दिखा रहे थे, वो पर्सनल कैरेक्टर पे जा रहे थे मुनव्वर के, तो मुनव्वर भी वापस गया। अरे अंकिता का क्या था आज, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, तू सेल्फिश है, तू मैनिपुलेटिव है, तू कैलकुलेटिव है, तू इमोशनलेस है, मैं दोस्ती मेरी तरफ से 100% थी, तेरी तरफ से कोई दोस्ती नहीं थी, ये आज अचानक दोस्ती की परीक्षा क्यों ले रही है वो? मुनव्वर की दोस्तियां ऐसी रही हैं, और जहां पे जब वो मनारा और उनकी लड़ाई हुई थी उन्होंने बैक स्टेप लिया था, दोस्ती में कौन बैक स्टेप लेता है? दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो मनारा को अगर दिक्कत है आपको बैक स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? सिंपल है कि क्लियर है मुनव्वर को अपने दिमाग में कि किस तरह से गेम खेलना है, उस पर आप ये पर्सनल और कैरेक्टर पे जाके आप उंगलियां नहीं उठा सकते हो। तो आप उंगली उठाओगे तो आप पे भी जाएगी, जो उसने बोला कि विकी भैया आपकी नजर का भी पता है सबको, आप जो कंफर्ट देते हो मनारा को तो वो दिखता है कि अभी आपके मन में क्या है। देखिए ये जो लड़ाइयों में बात आती है, पर्सनल कैरेक्टर पे जाते हैं, उसका कोई खास वजूद होता नहीं है, वो लड़ाई है इसलिए लोग जितना बुरा बोल सकते हैं बोलते हैं, ऑल इज फेयर। फिर जो बाल्टी ऊपर डाल दी, बाल्टी ऊपर डालने के बाद जो नीचे लाने की कोशिश कर रहा था मुनव्वर, वो जो रॉड था, वो फिशनेट वाला नेट वाला जो रॉड था, अब उसको पकड़ के उसको पता तो चल नहीं था बाल्टियां कहाँ डाली गई हैं, विकी भैया ने डाली थी, वो निकाली ही जाएंगी, वो उस पर इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? उसने रॉड पकड़ के खींचा विकी ने, तो ये गिरा नहीं, मुनव्वर गिरा नहीं था, वो कूदा था, क्योंकि वो गिर सकता था। और उसके बाद जो लड़ाई हुई है, उसने उसका शायद कॉलर पकड़ा है, दिखा नहीं मुझे कहाँ क्या क्या, बहुत सारी भीड़ थी
लड़ाइयों में पता नहीं चला। मराना का सही था कि बोल रही थी कि मेरे को तो पेड़ पे चढ़ने की आदत है, मुझे बता देता मुनव्वर मैं चढ़ती, ये हीरो बनने की क्या जरूरत है। ये मनारा जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो अपने में ही रहती है, उसका कोई और गेम प्लान नहीं रहता है, वो उसको लगता है कि वो चढ़ जाती और वो निकाल के, इतनी हाइट है इतना भार है, कहाँ से वो चढ़ जाती पेड़ पे ड्रम की तरह रोल करके नीचे आती, वैसे चढ़ ही नहीं पाती, गिरने की बात दूर है। देखिए इन सब में सीधा है कि अंकिता की जो इनसिक्योरिटी है या जो उनका उन्होंने एक कैरेक्टर बिल्ड करके रखा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नेक हूँ, मैं सबके लिए फेयर सोचती हूँ, वो सब बाहर निकल के आ गया है। मुनव्वर ने सही बोला, देखिए आपको तकलीफ है, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी मत चढ़ो। अब वो मनारा का जो मजाक उड़ाया जा रहा था कि जैसे कल मुनव्वर स्लिप होके गिरे थे, और मनारा थी शायद नीचे जो बैठी थी और उसको पकड़ा नहीं था, बट जो भी था गिरने के बाद वो संभाला था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो तुम मतलब लोगों का मजाक उड़ा सकते हो, तुम्हारा कोई मजाक ना उड़ाए, सही है भाई। इतना सब दोस्ती 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 बोलते हैं तो मनारा भी तो विक्की की दोस्त है, तो आज मनारा के लिए विक्की कितना गंदा बोल रहे थे जब वो मुनव्वर को कवर करके बैठी हुई थी, उनके थोड़े साइड पे या पीछे बैठी हुई थी, बोल रही थी तो बोल रहे थे कि तू उसके पीछे बैठी हुई अच्छी लगती है, तो कितना अनएप्रोप्रिएट लग रहा है, ये वो बातें सुनाई गई हैं। हालांकि मनारा ने ठीक ठाक उसको हैंडल किया है। तो ये कौन से दोस्तियों का दावा कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ दोस्ती में आपको रिटर्न चाहिए, आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है जो क्रिएट हुई है उसमें टीम बनी है। मनारा क्लियरली बोल रही थी कि मुनव्वर मेरा दोस्त नहीं है, मगर मैं इसके टीम में हूँ, तो मैं अपनी टीम के लिए खेल रही हूँ। बाकी अभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए मैं तो खुश हूँ, टीम बी में जो नॉमिनेटेड है, ये जो तलवार लटकी है ये विक्की पे भी लटकी है और आयशा पे भी लटकी है। देखिए आयशा का क्या गेम है, मेरे हिसाब से वो गलत तरीके से आई हैं, मनारा उनको वॉनबी बोलती हैं, और उनका गेम प्लान था कि अगर ये लोग मसाले लेके आते हैं वो उन पे थूक देंगे, ठीक है ओके। उनका देखिए कोई भी गेम तो रहा नहीं है, अभी जितने भी दिन रही हैं वो उनके लिए एक मुद्दा लेके आई थी, वो मुद्दा तो पहले ही दिन फूस हो गया था, वो आगे बढ़ा नहीं, पर वो उसी बात को वो रिपीट मोड पे चलाती रही हैं और वो सिर्फ सिंपती लेती रही हैं। तो घर में अंकिता जी की सिंपती है उनको, पर देखिए मेरी तरफ से कोई सिंपती नहीं है, ना ही कोई गेम प्लान है उनका, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट तो है नहीं। दूसरे विक्की भैया दिमाग से ज़रूर चले हैं पूरे सीजन में, मगर उनका गेम हल्का ही है, इन द सेंस कि उनको वोट्स नहीं आती हैं, वो दिमाग से खेलते आए हैं और उनको बीच सीजन में ही बिग बॉस ने टोक दिया था काफ़ी जगहों पे, तो फिर उनका गेम कुछ खास बाहर उभर के आया नहीं है। जो भी उनकी लड़ाइयाँ हुए हैं, मुद्दे हुए हैं, वो अंकिता और विक्की की आपस की लड़ाई का है, जैसे कि अभिषेक ने आज बोला कि ये लोग रात को माइक उतार के प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं कि भाई मैं तो जीतने नहीं वाला, चल तेरे को तो जिताने की कोशिश करता हूँ, और वो मुद्दे क्रिएट करते हैं। ये फाइट्स जो हैं, जो मुझे भी कई बार ये लगा है कि फाइट्स में कोई असलियत नहीं है, ये उसी तरह की फाइट्स हैं। तो इन दोनों पे तलवार लटकी हुई है, अब देखते हैं कि किसका सर कलम होता है इस हफ्ते। मुनव्वर ने बोला है विक्की को टनल तक छोड़ के आएंगे, मुनव्वर भैया आप आयशा के लिए भी एक बार बोल दीजिए कि आप टनल तक छोड़ के आएंगे, तो देखते हैं इस बार आयशा जाएंगी या विक्की जाएंगे।